तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आप लोगों को स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट सर्वर से इसका सेकंड एपिसोड में। तो लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों हमारे लिए एक प्यारा सा घर बनाया और कुछ नहीं किया। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग बनाएंगे हमारे लिए एक छोटा सा फार्म, एंड उस फार्म में हम लोग लाएंगे शीप, बफेलो एंड चिकन। एंड इसके साथ साथ हम लोग हमारे लिए एक छोटा सा सब्जी का खेत भी बनाएंगे, जहाँ पर हम लोग व्हीट, कैरेट्स, पोटेटोस, ये सब हम लोग उगाएंगे हमारा खाने के लिए। तो फटाफट से हम लोग हमारा काम स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को चाहिए ढेर सारा ऊट्स, एंड इस ऊट्स से हम लोग बनाएंगे फेंच। तो मैं ऊट्स से यहाँ पर मैं बहुत सारे स्टिक्स बना लेता हूँ, एंड उसके साथ जितना हो सके उतना फेंच बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मैं एक छोटा सा फार्म के जैसा बनाएंगे, एंड मैंने इस जगह पे जो जितना भी पेड़ था उसको हटा लिया, एंड इस जगह को थोड़ा सा प्लेन भी कर लिया। तो मेरे दिमाग में आइडिया ऐसा है कि मैं पीछे में थोड़ा सा रूफटॉप जैसा वाइब देंगे, एंड उसके सामने में हमारा एनिमल्स रहेगा, एंड इसका बगल में हम लोग हमारा जो हॉर्स है उसके लिए एक छोटा सा घर बना देंगे। तीन घर बनाएंगे, क्योंकि हमारा हमारे पास एक हॉर्स है, एंड बाकी दो स्लॉट में भी हम लोग हॉर्स लगा देंगे। तो इस बार स्पेस में हम लोग हमारा तीनों एनिमल को रखेंगे, एंड इसको मैं तीन सेगमेंट में भी डिवाइड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मेरे पे ऊंट थोड़ा सा कम हो गया तो घर से लेके आते हैं, एंड पीछे का रूफटॉप हम लोग पहले बनाते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने इस जगह को तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लिया है, एंड एक गेट भी लगा दिया। लेकिन अब हम लोग पीछे का वॉल का काम करेंगे, एंड वॉल के बीच में एक फेंच का लेयर भी देंगे। यहाँ पर मैं मुझे एक फेंच का शॉर्टेज हो गया, ओके उसको बाद में लगाएंगे, फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। ओके तो सब रेडी है, अब हम लोग यहाँ पर मैं एनिमल्स को रखेंगे। लेकिन उनके खाने के लिए तो मुझे एक छोटा सा व्हीट फार्म भी बना देना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा जगह को प्लेन कर लेता हूँ, एंड इस जगह पे एक व्हीट का छोटा सा फार्म बनाएंगे। इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, सिर्फ आई थिंक 9x9 का ऐसे कुछ फार्म बनाएंगे। तो मैं जमीन पे पानी दे देता हूँ, एंड घर से मैंने एक स्टोन का हो बना के लेके आया, जिससे अब हम लोग यहाँ पर मैं खेती बाड़ी करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ 12 सीड है, जिसको अब हम लोग अभी के लिए लगा देते हैं, बाद में इसको बढ़ाएंगे। तो मेरा घर का जो साइड वाला विलेज है वहां पर मैं विलेजर का बकरी चुरा के मैं लेके जाता हूँ मेरा वाला घर पे। विलेजर का खेत से मैं थोड़ा सा आलू एंड कैरेट भी लेके आया, उसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बफेलो ढूंढ रहा था, एंड यहाँ पर देखो मुझे दूर से एक विलेज दिख गया। हमारे ये वाले विलेज यहाँ पर में है, एंड वो सामने में एक नई विलेज हम लोगों को मिल गया, जो कि है सवाना विलेज। तो जाके हम लोग इसको फटाफट से एक्सप्लोर करके आते हैं। ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि इतना क्लोज डिस्टेंस में मुझे दो दो विलेज मिल गया। वेट, सामने माउंटेन पे देखो, वहां पर मैं एक चेरी का एक ट्री भी है। तो जल्दी से हम लोग विलेज लूटते हैं, उसके बाद वहां पर से सैपलिंग भी कलेक्ट करेंगे। गरीब विलेजर है भाई, किसी के घर में एक चेस्ट भी नहीं है, इस घर पे भी नहीं, अरे यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक ब्रिंग स्टैंड है, लेकिन इसको मुझे तोड़ने के लिए सिल्क टच पिकैक्स लगेगी। अभी इससे सिर्फ एक बेड है, कम से कम सब्जियां ही चोरी कर लेता हूँ। वो एट लास्ट एक घर पे चेस्ट मिला। एप्पल एंड पोटेटो, मैं आलू लेने के लिए इतना दूर आया। अबे विलेजर तो बहुत गरीब निकला, या मैं आने के मेरा कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं पूरा का पूरा विलेज लूटा सिर्फ आलू एंड एप्पल के लिए, सामान छुपाने के लिए कि ये लोग क्या सीक्रेट बेस यूज करता है। इन विलेज से तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं जा रहा हूँ पहाड़ी के ऊपर ताकि मैं एक चेरी का सैपलिंग लेके आ जाऊँ, बाद में घर पे लगाएंगे हम लोग। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे चेरी का प्लांट्स बहुत अच्छा लगता है, एकदम जापानीज एनिमे जैसा फील देता है। ओके मैंने दो सैपलिंग ले लिया, अब घर चलते हैं। वेट, आई थिंक मैं घर का रास्ता भूल गया, बहुत देर से मैं भटक रहा हूँ लेकिन मेरे को घर नहीं मिल रहा। मुझे कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेना चाहिए था, आज का दिन ही मेरे लिए बहुत बैड लक है। ओह फाइनली मुझे मेरा पहले वाला विलेज मिल गया, एंड वो देख सकते हो मेरा घर। मेरा विलेज के नीचे इतना सारा हेवेल है और मुझे दिखाई नहीं। ओके तो मेरा 3-4 दिन का खाने का जुगाड़ भी हो गया। अब मैं मेरा बफेलोस एंड शीप को थोड़ा सा खाना खिला देता हूँ ताकि इनका पॉपुलेशन और भी बढ़ जाए। तो लास्ट वीडियो में आप लोग अगर याद होगा तो मेरे पास एक हॉर्स था, जिसके लिए मैंने कोई भी घर नहीं बनाया था। तो आज के इस वाले एपिसोड में हम लोग घर बनाएंगे इस हॉर्स के लिए, मैं तीन हॉर्स का जगह बना देंगे, बाद में थोड़ा सा और हॉर्स लेके आएंगे। तो पिलर रेडी है, पिलर के ऊपर में हम लोग लगाएंगे एक रूफ टॉप जैसा कुछ, एंड उसके सामने हम लोग दो दो गेट लगा देंगे ताकि हम लोग हॉर्स को बाहर भी निकल सके एंड अंदर भी लेके जा सके।
तो यहाँ पर हमें 3 गेट लगा देंगे एंड इसके साथ साथ हमारा हॉर्स का पार्किंग एरिया बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग हॉर्स लेके रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे वंडरिंग ट्रेडर्स दिख गया है, तो इसको मार के मैं इसका लामा चुरा लेता हूँ एंड उस हॉर्स वाले पार्किंग एरिया में एक लामा भी रखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लामा भी लग गया एंड हमारा जो हॉर्स है वो भी यहाँ पे मैं आ गया है। तो इनको भी हम लोग खाना देते हैं क्योंकि बाद में ये तो हमारा ही खाना बन जाएगा। तो मैं बहुत दूर से इन चिकन को लेके आया क्योंकि ये हमारा लास्ट टास्क है, क्योंकि चिकन को भी हम लोग पालना पड़ेगा। चिकन एक बहुत अच्छा सोर्स है I mean, खाने के लिए। ओके, तो चिकन भी डन। ओ माय गॉड, मैं तो उस जगह को फिल ही नहीं किया, वहां पर एक छेद है, वहां पर सारा का सारा चिकन जा रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ पर से सीट निकालना है, उसको पहले यहाँ पर लाना पड़ेगा क्योंकि इस चिकन को मैंने बहुत दूर से लेके आया। इसीलिए ना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उसको करना पड़ता है। देखा, ये फिर से भागने का कोशिश कर रहा था। ओके, तो शाम भी हो रहा है एंड आई थिंक मेरा सारा का सारा काम भी खत्म हो गया। तो आज के वीडियो को आई थिंक यहाँ पर ही एंड कर देना चाहिए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, उसको बाद में एडिटिंग भी करना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसे कंटेंट आप लोगों को हर रोज फ्री में मिलेगा। एंड आपका ओपिनियन भी मुझे कमेंट कर सकते हो, उसको हम लोग अगली वीडियो में बनाएंगे। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।